गाइस हमने ले लिया पॉपकॉर्न और वेज बर्गर और कोल्ड ड्रिंक है, और ये है 30 मिनट और हम ऑटो में बैठे थे। और ये है आई मस्जिद। तो गाइस हमारे आज बज रहे हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सुधांशु फ्रॉम पहाड़ी गैंग। आज मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी मार्केट और वहाँ दिखाने वाला हूँ आपको कि 31st की क्या क्या प्लानिंग हो रही है हल्द्वानी मार्केट में। और मेरा दोस्त आया, जानते होंगे अतुल को, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा बहुत बार अतुल को। और अतुल अपनी स्कूटी लाया है, अल्मोड़े से आया है, और मैं स्कूटी दिखाता हूँ। भाई के पास है एंड टॉक, बिल्कुल रेस एडिशन, बिल्कुल हाई फाई है स्कूटी। बेसिकली सबसे पहले हम जाएंगे आईफोन केयर, वॉकवे के पास है। भाई के पास बड़े लोग हैं, अमीर हैं, तो उनके पास आईफोन है, उन्होंने स्किन गार्ड लेना है, तो वहाँ चलते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट। और भाई सब अमीर लोग फील होता है आईफोन पकड़ के आपसे। कौन सा फोन भाई? अमीर है स्किन गार्ड, और स्किन गार्ड भी कितने का आता है पता है? 1000 रुपए का स्किन गार्ड। भाई का हम दो फोन ले लेंगे उतने में। तो भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये बताइए, फोन कौन सा है? कट कर देना प्लीज। ये है बड़े लोग, मोटा पैसा कमाते हैं और बड़ी बड़ी शौक रखते थे कि 1.5 लाख रुपए की तो स्कूटी रखी हुई है और फिर मोबाइल आईफोन 1000 रुपए का टेम्पल हो। माय गॉड, टू गो। चलो भाई पाजी। तो भाई ये है ऊंचा पुल का चौराया, ये शिव मंदिर है, हर हर महादेव। तो भाई हमने यहाँ से ले लिया है पानी से अंदर को कट, क्योंकि वहाँ से लॉन्ग रास्ता हो जाता है, तो यहाँ से हम सीधे जल्दी जल्दी शॉर्ट पहुँच जाएंगे और सीधे निकलेंगे वॉकवे के यहाँ पे। तो गाइस ये रास्ता भी बंद है, दोनों की क्यों बंद है? यहाँ से आई थिंक कोई मिनिस्टर आया होगा, तो रोड जाली रोड ब्लॉक करी हुई है, रास्ता भी बंद किया हुआ है यहाँ से दुर्गा सिटी वाले सेंटर का। अभी हम जाएंगे इधर से। सो गाइस ये है बिग बाजार यहाँ का हल्द्वानी, और ये पहुँच जाएंगे हम सीधे मेन रोड पर। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर वॉकवे है, वॉकवे के जस्ट बगल में आईफोन कैरेज का रूम है, जहाँ पे आईफोन वगैरह मिलते हैं। हमारे दोस्त जो बड़े बड़े नवाबी शौक रखते हैं, लोगों का सामान वहाँ मिलता है, तो ले चलता हूँ मैं आपको। जाम यहाँ का, ये है यहाँ का डिग्री कॉलेज, देख सकते हैं आई थिंक पेपर वगैरह चल रहे हैं। ये यहाँ का हल्द्वानी का KFC है सामने, आप देख सकते हैं KFC है, और काफ़ी सारे ब्रांड के यहाँ पे शोरूम है यहाँ पे, और एक हिमालय करके यहाँ पे रेस्टोरेंट, आप मेरे भैया की लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा यहाँ पे उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है वो है। हाँ गाइस हम ये पहुँच गए आई केरेस्ट, और यहाँ से लगाते हैं टेंपल क्रॉस फोन में, और फिर इसके बाद चलेंगे सीधे मार्केट। तुमने मेरे हाथ में दीजिए, अंदर नहीं आ रहा था क्या? एक तरीका है। क्या तरीका? सो गाइस अतुल के पास यहाँ पे उनको एडजस्ट करने का एक तरीका, तो लेट्स सी देखते हैं कि ये क्या लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे अपना। अरे मुझे लग रहा है ये हेलमेट को साइड से बांध देंगे। पकड़ूं? इसको ऐसे पकड़ो बस। वाह, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक साइड से भाई साहब ने इसको हेलमेट को ये टांग दिया, और एक साइड से ये। मुझे टेंपल लगाना कौन सा एसी है? एसी का टेंपल नहीं है हमारे का, वो नहीं मिल रहा है आईफोन का टेंपल। अब देखते हैं कोई ऐसा अल्टरनेटिव मिलता है तो। नहीं मिल रहा, फ़ोन दिखाता हूँ यहाँ पे। ये है आईफोन 11, आईफोन 12, और ये है 13 मिनी, और ये 13 नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज, और ये है आपका 13 मैक्स प्रो है आपका, जिसकी प्राइस देख सकते हैं 1,24,900। गाइस मेरे पास ये वाला फ़ोन है, मेरे पास ये वाला, मैं इसमें टेंपल लगाने वाला। वैसे ये डेमो वाले फ़ोन होते हैं यूज़र्स को दिखाने के लिए, जो भी यहाँ पे कस्टमर आते हैं उनको दिखाने के लिए। लेकिन ये एप्पल वॉच है 27,000। भाई अभी जो लेटेस्ट आई है अभी वो 7 है ना? ये है आईफोन, सॉरी एप्पल वॉच 7, जिसकी कॉस्ट है 27,000। महंगे सामान गाइस देख रहे हो, बड़े लोगों की बड़ी बात है, 1700 रुपये का टेम्पल ग्लास लगा रहे हैं। क्या एंटी बस वाले का लास्ट टाइम जब लगवाया था तो यही वाला लगाया था, 1000 समथिंग का था। 1400 रुपये का टेम्पल, ये तो कवर होगा, टेम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। गाइस देख रहे हो प्राइस 1800 रुपये। तो भाई जिसने दे दिया अपना टेंपल लगाने का, वहाँ पे लग रहा है इसका टेंपल, तो भाई का लग चुका है टेंपल डन। अब ये है हमारे फोन की बारी, मैंने भी लगाना था।
तो गाइस लगा दिया हमने टेंपल, अब हम सीधे निकलेंगे मार्केट के। लेते हैं भैया से। अभी हम जा रहे हैं वॉक पे, जस्ट पास में ही है। मूवी देखते हैं बता कौन सी? वो देखते हैं स्पाइडरमैन, वो देख दी मैंने। कौन सी देखते हैं? सो गाइस ये है वॉक पे यहाँ का, तो चलते हैं अंदर। क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। हाँ ये सही कहा था ना, मूवी देखने चल रहे। अच्छा, ओ तेरी, पिछली बार मैंने यहाँ से लगाया था, बहुत ही बेकार सा। देखना पड़ेगा, लेट्स सी। तूने कुछ लेना है ना क्या सामान? नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं भाई, हैप्पी नहीं है। तो गाइस देखिए यहाँ पे जैकेट आई है, मुझे तो इतनी खास लग नहीं रही है। आसने की वाली ली थी, आसने। आसू ये तेरी वाली है, देख ले। डू सब्सक्राइब नाउ नाउ। तो गाइस वहाँ से आ गए, कुछ पसंद नहीं आया वहाँ, और अभी हम चल रहे हैं मूवी देखने। अगर 83 लगी होगी तो वो देखेंगे। पुष्पा आई हेट यस, लगी तो 83 का है टाइमिंग, 10 से 1, 4:30 ले लिया है टिकट 83 की। थोड़ी आई थिंक 15 मिनट हम लेट आए हैं, तो हमने ले लिया, फिर भी हम 15 मिनट के बाद से देख लेंगे। आपने भी देखी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी है, देखने के बाद उसका रिव्यू देता हूँ आपको। 300 ITS की, आज सीधा 3 फुट ऊपर जाता है, 2 फुट उछल कर बॉल मारता है, टोटल 12 फीट की हाइट से बॉल आती है आपकी तरफ, 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। बच लो माए, क्रिकेट देखने आए या हॉरर फिल्म? सबको डरा ना क्यों? सुबह से भी चल रहा है इंटरमिशन, कब मूवी काफी बहुत बढ़िया है, अच्छी लग रही है। तो अभी हम थोड़ी भूख लग गई है, तो यहाँ से कुछ खाने का ले लेते हैं, स्नैक्स वगैरह। सो गाइस हमने ले लिया पॉपकॉर्न और वेज बर्गर और कोल्ड ड्रिंक है। और यहाँ चल रहा था उनका पॉपकॉर्न। विश्व कप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुनहरा दिन। इंडिया ने इस स्टेडियम पे कभी एक मैच भी नहीं जीता। इंडिया तो कभी वर्ल्ड कप के फाइनल तक भी नहीं पहुंची है। डर लग रहा है बहुत। जिमी धोनी देख के आ चुके हैं, बहुत बढ़िया मूवी लगी है। इमोशनल होता है ना जब लाइव देखते कोई भी हम इंडिया का मैच, तो एक दिल से वाली जो फीलिंग आती है ना, ये इंडिया विन वाला, मतलब मस्त है मूवी। रणवीर जितने भी एक्टर हैं उसमें सबने अच्छा अच्छा रोल प्ले किया हुआ है, काफ़ी इमोशनल सीन भी हैं मूवी के अंदर, और कॉमेडी भी मस्त सीन है एकदम। निकलते सो गाइस अब हम निकल रहे हैं सीधे घर की ओर को, क्योंकि अतुल को जाना है सीधे अल्मोड़ा। अभी यहाँ से इसका बैग मेरे वहीं है, तो पहले घर चलेंगे। गाइस अभी आ गए हैं प्यूमा के शोरूम, अतुल को जूते देखने थे, तो यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है 40%। तो गाइस शूज़ देख सकते हैं, बहुत मस्त मस्त है। ये तो फुल वाला है, ये एंकल वाले हैं, ये फुल वाला है, ये यहाँ तक है, ये पूरा एंकल वाला, ये वाला। अतुल ने ले लिए सॉक्स मेरा हाथ। तो गाइस ले लिया अतुल ने सामान। डेकैथलॉन कहाँ है? यहाँ कहाँ है डेकैथलॉन? अब हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, और विशाल मेगा मार्ट में अतुल को लेना है जिम का सामान, तो लेट्स सी देखते हैं वहाँ पे कुछ मिलता है इसको। यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा, हम चल रहे हैं ऊपर। भैया जिम का सामान भी होगा क्या? सेकंड फ्लोर पे, थैंक यू। तो अपन लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर। भैया जिम के एसेसरीज कहाँ रखी है? जिम के एसेसरीज अतुल इधर।
जिनकी ऐसी सिर्फ वाह 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 ये है रखे अच्छे ये नीचे रहेंगे टैडी इसको ले जा ले दे देना किसी को हम तो दे नहीं सकते भाई तू ही दे देना तुम्हें क्या कमी है देने वाला कोई है ही नहीं हमसे तो अतुल को जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है एक्चुअली उसको ग्लव चाहिए था ट्राई करना ये अच्छा लग रहा है कबीर सिंह तो नहीं लग रहा ये वाला मैडम जी ये वाला अच्छा गेड़िया पीछे क्या ये वो कह रही है ये वाला ठीक लग रहा नहीं हुण दो पंग दो ले ले ओए बढ़िया लग रहा भाई यहाँ भी हमें सामान नहीं मिला मुझे तो नहीं लेना था तुमको लेना था तो उसका जो भी चॉइस थी उससे रिलेटेड उसको मिला नहीं सीधे मार्केट में देखते हैं अगर अतुल मार्केट चलेंगे क्या मोमो खाने चलेंगे पता नहीं इसको इतने फेवरेट के मेरे नहीं है मोमो को लेट्स सी पर देखते हैं लास्ट टाइम हमने खाए थे एक जगह वो अंकल के वहाँ रहते हैं वो बड़े एक बार याद है जब वो ऑटो में बैठे थे हम जिन्होंने भाग भाग के आए थे रात को गाइस एक बार क्या हुआ था अतुल और मैं रात को जा रहे थे यहाँ से तो हमने कालूसाई मंदिर से ऑटो किया तो ऑटो वाले ने बिठाया हमको और आगे वो लगे रहते ना पुलिस वाले रोकने के लिए तो उसने क्या किया पुलिस वाले को उड़ा दिया ऑटो वाले ने और वो पुलिस वाला मतलब मूवी वाला सीन हो गया था वो और वो पुलिस वाला उसके और हम ऑटो में बैठे थे अतुल और मैं बैठे और अतुल के बैग में थे पैसे करीबन 40-50 आए थे होंगे और पुलिस हमारे पीछे मतलब हमारे पीछे नहीं वो ऑटो वालों के पीछे क्योंकि ऑटो वाले ने उसको उड़ा दिया था पुलिस वाले को उड़ा दिया था भाई और वो पुलिस वाला ऑटो में किसी और के ऑटो को बुक करके हमारे पीछे और हम भाग रहे पुलिस वाला हमारे पीछे और फिर जब उस ऑटो वाले को पकड़ा ना हमने ऐसी रेस लगाई अतुल भागा उस दिन कैसे आवाज थी इतनी भयंकर रेस लगाई ना भाई उस दिन तो बचे हम जैसे तैसे उस ऑटो वाले के चक्कर में नहीं तो हम भी पिसते और अतुल के पैसे भी जाते उस दिन तो भी चलते हैं सीधे मोमो खाने या देखते हैं भी कहीं पर अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा या सो गाइस हम पहुँच चुके हैं मटर गली यहाँ से अंदर हम गाड़ी डालेंगे अभी रुक जा अतुल मेरा पैर देखा आपने लापरवाही का नतीजा एक दिन मेरे ऐसी जूते फटे यहाँ पिछली बार भी तूने ऐसी किया था याद है तुझे वैसे देख सकते हैं आपकी जगह जगह दुकानें लगी हुई है जैकेट्स आई है नई नई ये देख फिर तूने दो बार मेरे पाँव में लगी जोरदार काल भैरव बाबा जी का मंदिर यहाँ पे जय हो बाबा जी की ये है यहाँ का हॉस्पिटल बेस हॉस्पिटल हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग के लिए जगह और अतुल आ रहा है पीछे से पार्किंग ही नहीं मिल रही कहीं पे मार्केट में पूरे टच बिल्कुल रस है एकदम खतरनाक दुकानों के आगे नहीं खड़ी कर सकते भाई गाइस ये है पिपलेश्वर महादेव का मंदिर जय हो भोलेनाथ है पीपल का पेड़ खड़ी कर दे भूल गया चाबी ये हमारे गाड़ी में चाबी लगा के भूल के आ चुके हैं पता नहीं अब इनकी गाड़ी कोई ले गया होगा नहीं ले गया होगा एंड टॉक गायब हो जाएगी नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा घर को कौन सा नशा करते हो भाई और इसकी जेब में ही होगी यहाँ पक्का तेरी जेब में ही होगी जेब में ही होगी ना तेरे 110% जेब में होगी नहीं है गिरा तो नहीं जी ओ भाई तूने गिरा तो नहीं जी भाई साहब ने जेब में ही रखी है और हमको वहां से वहां तक दौड़ा दिया तो मैं तुम्हें अभी हल्द्वानी की मार्केट दिखाता हूँ तो भूल भुलैया वाली मार्केट लगती है मुझको जहाँ से आओ कहीं से आओ इधर से आओ उधर से आओ पता नहीं चलता सो गाइस ये है हल्द्वानी की मार्केट अभी मुझे खुद नहीं पता हम किस गली पे आए हैं बस चले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ आइडिया आता नहीं है इधर गली से जाओ उधर निकल जाते हो उधर से जाओ इधर निकल जाते तब सपनी में मामा बनेगा खेलने की भैया और भी है इसमें लूडो लूडो आओ भाई लूडो और ये है यहाँ की मस्जिद और भी बज रहे हैं 4 बजने वाले सो गाइस ये है यहाँ की सब्जी मंडी हल्द्वानी की आवाज से ही पहचान रहूँगा 100 रुपये के 1.5 किलो यहाँ से अंदर को पूरा रह जाता है सब्जी मंडी को रास्ता अरे चौकस आ रही भाई चौकस चलो पहनो ये पहनी टोपी और फटक से डाल दो इसके ऊपर हेलमेट कम ऑन ए देख रहे लाइट भी जल गई है तेरी स्टार्ट करो सो गाइस हम यहाँ पे रुक चुके हैं कौन सी जगह पे फूड फेस्टिवल तो यहाँ पर से कुछ खाते हैं अब देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे मेन्यू पे
ठीक है भैया ले आओ। ये फूड फेस्टिवल रेस्टो जो कि मेन हाइवे हल्द्वानी पे पड़ता है। सो गाइस यहाँ पे अभी हमने अफगानी मोमो और राज कचौरी ऑर्डर की हुई है। वो बोल रहे थे कि यहाँ पे अफगानी मोमो यहाँ का फेवरेट है, तो मैं टेस्ट करता हूँ फिर आपको बताऊँगा कि कैसा है। सो गाइस हमारे आ चुके हैं अफगानी मोमो वेज, और एक काम करो एक चिकन सूप भी ले आओगे। गाइस ये हमारे अफगानी मोमो वेज हैं, तो आप टेस्ट करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ टेस्ट कर। चोकस हमारी ऑर्डर बताओ कैसी लगे आपको। हमारी राज कचौरी, ये रहा मेरा चिकन सूप फॉर ओनली चिकन लवर्स। सो गाइस हमने खाना खा लिया है, मंगाया था एक राज कचौरी और अफगानी मोमोज वेज, और एक मंगाया था चिकन सूप जो कि बहुत बेहतरीन हो रहा था। अफगानी मोमो बहुत बहुत मस्त थे एकदम, बिल्कुल चोकर। रिकमेंड करूंगा कि एक बार यहाँ पे आना, फूड फेस्टिवल करके यहाँ पे शॉप है, हाईवे पे ही है, इससे थोड़ा आगे है, एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता, आना जरूर एक बार। और भैया ने काफ़ी अच्छा हमें डिस्काउंट भी लगाया, तो आप एक बार जरूर आके यहाँ पे ट्राई करना। तो अब हम चलते हैं सीधे घर को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय उत्तराखंड, पहाड़ी गैंग पीजी। I'm a